मीडिया से बातचीत में विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जरंडेश्वर कारखाने के मुद्दे पर ईडी ने की गई कार्रवाई का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जरंडेश्वर कारखाने के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस समय हाईकोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ईडी की ओर से जांच की जा रही है। आपण जर कसं सुरू झालं बघितलं तर मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एक PIL झाली ज्याच्यामध्ये माननीय तेव्हाच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या सगळ्यांची नावं टाकून ते जे याचिकाकर्ते होते यांचा FIR नोंदवून घ्यावा म्हणून सांगितलं। म्हणजे डायरेक्ट FIR करायला मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितलं आणि म्हणून तो FIR नोंदवण्यात आला। तो FIR नोंदवल्यानंतर हे सगळं फायनान्शियल गोष्टी याच्यात असल्यामुळे ईडीने त्याचा ECIR नोंदवला आणि त्यातनं ईडीने ती चौकशी सुरू केली आहे। त्यामुळे ही सगळी जी चौकशी आहे ही मुंबई उच्च न्यायालयाने जे काही निर्देश दिले त्या निर्देशानुसार सुरू झालेली चौकशी आहे। ही कुठलीही राजकीय चौकशी नाही, राजकीय हेतूने सुरू केलेली देखील चौकशी नाही आहे। त्यांनी असं म्हटलंय की अशा पद्धतीने पहिल्यांदाच इतिहासात एखाद्या पक्षाने ठराव करावा चौकशीसाठी। मला असं वाटतं की नेहमीच असं असतं, कुठलाही पक्ष हा मागणी करत असतो की बाबा ही घटना घडली तर याची चौकशी केली जावी, ही घटना घडली तर याची चौकशी केली जावी। असं तर कुठे भारतीय जनता पक्षाने ठराव केलेला नाही की यांना अपराधीच मानलं पाहिजे, यांना जेलमध्येच टाकलं पाहिजे, असा कुठलाही ठराव नाही आहे। ठराव काय आहे तर अशा प्रकारचं पत्र लिहिलं गेलं आहे। आमचे अध्यक्ष सन्माननीय चंद्रकांतदादा पाटलांनी जे पत्र पाठवलं किंवा जो ठराव केला यात त्यांनी एवढंच सांगितलेलं आहे की असं पत्र जर बाहेर आलं असेल तर त्या पत्राची चौकशी केली पाहिजे। मला असं वाटतं की याच्यात कुठलंही गैर नाही। कुल मिलाकर ये जो जांच हो रही है, एक PIL बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई थी, उस हाईकोर्ट में उस समय हाईकोर्ट ने निर्णय देकर सीधे पुलिस को डायरेक्शन दिया था कि इसमें आप FIR दाखिल करें। ये अगस्त 2019 की बात है। उसके बाद ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें दखलंदाजी देने से मना कर दिया और इसके कारण मुंबई पुलिस के EOW ने इसके संदर्भ में एक FIR अगस्त 2019 में इन सभी लोगों को आरोपी बनाकर उस समय वो FIR दर्ज किया था। जैसे वो FIR दर्ज हुआ तो चूंकि ये सारे फाइनेंशियल इसमें इन्वेस्टिगेशन और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल था, इसलिए उसी समय ईडी ने एक ECIR भी उस समय फाइल किया था। उस ECIR की जो तफ्तीश ईडी ने की है उसके तहत ये सारी कार्रवाई चल रही है। तो ये कोई राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई चल रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने की कार्रवाई या उस समय के स्टेट गवर्नमेंट ने की कार्रवाई, इससे भी ज़्यादा ये सारी कार्रवाई उस समय हाईकोर्ट के आदेश से हुई है। उस समय भले ही हमारी सरकार थी और हमारी सरकार ने FIR दाखिल की थी लेकिन उसका आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। ईडी ने भी जो तफ्तीश की है हाईकोर्ट के आदेश से की।